आम आदमी पार्टी का पाली जिले में कार्यकर्ता संवाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन। आप राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पहुंचे पाली, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक और आप राज्यसभा चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा 24 फरवरी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत पाली जिले सहित राजसमंद जालौर लोकसभा कार्यकर्ताओं के साथ नया बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत बातचीत की। वे मंच का संचालन अक्रम सिलावट ने किया। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि राजस्थान में बदलाव की जरूरत है और यह तभी संभव है जब हमारा संगठन मजबूत होगा। जब से हमने राजस्थान में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, लगातार लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी पारदर्शिता में विश्वास रखती है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी कार्यकर्ता इस संवाद के जरिए अपने अपने मन की बात खुलकर हमसे साझा करें। इस संवाद कार्यक्रम के जरिए हमें कार्यकर्ताओं को समझने में मदद मिलेगी और वह भी हमें समझ सकेंगे। किसी भी मजबूत संगठन के लिए तालमेल बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि तालमेल अच्छा होगा तभी चुनाव की नींव मजबूत बनेगी। वे आम आदमी पार्टी राजस्थान की 200 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान राजू भाई बोहरा, नरपत सिंह जेतावत, मुकेश सांखला, मदन दास, अक्रम सिलावट, अमित वर्मा, पप्पू लाल की राजसमंद, धर्मेंद्र चंदेल, रणवीर सिंह भाटी, कमांडो मनोहर सिंह, तेजमल जैन वैष्णव, जसराम जैन, माधव सिंह राजपुरोहित, महेंद्र डीडवानिया, दयाल डांगी, बाबू खान बागड़ी, रुस्तम मांगीलाल गर्ग, नीलेश रामेश्वर वैष्णव, रमेश परिहार, बीएल गहलोत, संजय रावल, संजय सोनी, मसरूद देवासी भी, दिनेश आदि आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम पाली।